सोलन जोड़ा जी पंचायत में बरसाती नाले में एक व्यक्ति का शव मिला। ये शव 7 दिनों से गायब केदार का बताया जा रहा है। इस शव को गांव के लोगों के साथ मिलकर पुलिस, वन विभाग और सीआईडी की खोजी कुत्ते एक सप्ताह से ढूंढ रहे थे। इस सर्च मिशन का स्पेशल डीप सर्च मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया जा रहा था और आज जाकर पुलिस को कामयाबी मिली। जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को केदार अपने भाइयों के साथ जंगल में घास काट रहा था। शाम को भाई से विदा लेकर ये वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन यह घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अचानक लापता होने से गांववासी दहशत में थे। हैरानी वाली बात यह थी कि जहां ये अंतिम बार देखा गया वहां केदार की जूते और मोबाइल तो मिले, लेकिन वो कहां गायब हो गया था, ये एक पहेली बना हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि पुलिस लगातार केदार को ढूंढने में लगी हुई थी और आज केदार का शव जंगलों के बीच नाले में मिला है। इसका शव यहां कैसे पहुंचा और इसकी मौत के क्या कारण रहे होंगे, ये सब जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल शव को पुलिस ने कब से मिले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। आगामी कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। सर्च देखने में आसान लग रहा था बट क्योंकि वहां पे डेंसिटी ग्रास श्रब्स और घासनी वगैरह बहुत है तो हमारे लिए खुद एक के लिए चैलेंज था। जब 2 दिन के बाद हमने अपनी सर्च ऑपरेशंस को रिवैल्यूएट किया तो उसके बाद फिर हमने डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स रहते हैं या फिर डॉग ट्रैकर्स रहते हैं, फॉरेस्ट की टीम स्पेशल लगाई, हमने तमाम प्रयास किए कि हम उनको ट्रैक करें। 26/11 को पुलिस स्टेशन सदर में इतला मिली थी, केदार सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो तकरीबन रात को 8 बजे अपने घर नहीं पहुंचे और वहीं कहीं ढांक से नीचे गिर गए हैं। तब से पुलिस की टीम और गांव के लोग काफ़ी प्रयास किए इनको ढूंढने के और आज इनका शव हमें वहीं पे ढांक के पास से प्राप्त हुआ। लगता है कि 25-30 फुट फॉल हुआ होगा। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और कॉज ऑफ इंजरी क्या रहा, टाइम ऑफ डेथ, अपेरेंटली 26 और 27 की इंटरवीनिंग नाइट लग रहा है। वी आर वर्किंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। अब क्या कॉज ऑफ डेथ रहा है, ठंड रही है, हाइपोथर्मिया रहा है, बिकॉज अपेरेंटली बॉडीली इंजरी कोई नहीं है, वो हम पोस्टमार्टम के बाद ही उसकी कुछ पुष्टि कर पाएंगे।